I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. तो हाँ जी, आगे ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, आज हम ये सीखेंगे कैसे बनाते हैं। दिवाली आ रही है तो अच्छे अच्छे स्टेटस आपको बताना सिखाना मेरा फ़र्ज़ है। तो स्वागत है आपका सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर हनी में। तो जो भी मैं इसमें मटेरियल यूज़ करूँगा आपको सबका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से आज का स्टेटस स्टार्ट करते हैं, काइंड मास्टर की एप्लीकेशन खोलते हैं। और इम्पोर्टेंट, अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से चलते हैं काइंड मास्टर की एप्लीकेशन में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का दिवाली स्टेटस एडिटिंग। सबसे पहले एक स्क्रीन लेनी है 1:1 की। मैं जब जो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ आपको सबका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेनी है ब्लैक कलर की। जैसे ही आप बैकग्राउंड ले लेंगे, अब इसमें लेयर्स ऐड करनी है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसका आपको लिंक दे दूँगा। जाना है सीधा वो दिवाली के फोल्डर पर। यहाँ पे जाके हमने सबसे पहले एक ले लेनी है राइट साइड की बैकग्राउंड वाइट, फिर एक लेके हमने लेनी है वाइट लेफ्ट साइड की बैकग्राउंड, ये ले लिया, ठीक है। इसको हम स्ट्रेच कर देंगे, जितने सेकंड का आपको बनाना है एक बारी में सारे ही कर लेना, क्योंकि इसमें एनिमेशन भी होगी तो वो इकट्ठी साथ में ही हो जाएगी। फिर हम ये लेंगे ग्रीन कलर का, इसको हमने करना है क्रोमा की एनेबल, और यहाँ से इसको कर देना है ब्लैक कलर, और इसको इस तरफ करना है लेफ्ट साइड। तो उस हिसाब से करना कि ये फूल थोड़ा डार्क रहे, इसको सेंटर कर देना है यहाँ पे, आधा उधर रहे आधा इधर रहे, ये भी पूरा खींच देना है। हो गया ये आधा इधर आधा उधर। अब इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसको की दबा के यहाँ पे आके इसको एंड कर देना, और इसको सर्कल को एक बारी घुमा देना है। तो ये थोड़ा सा ऐसे एनिमेटेड रहेगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। इसको फिर क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर देना है, तो आधा सर्कल उस लेयर के पीछे चला जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से हम लेंगे एक और ये गोल्डन कलर का फ्लावर, इसको हमने लगाना है यहाँ पे, हाँ यहाँ लगा देंगे। इसको भी सेम वैसे ही करना है, यहाँ पे की पे जाना है, उधर से दबाना है, फिर यहाँ पे दबा के छोड़ के इसको क्लिक करके पूरा सर्कल घुमाना है, वापस आना है, तो ये भी ऐसे घूमता रहेगा। इसकी हमें अल्फ़ा ओपेसिटी कम कर देनी है, ताकि इसके ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है तो वो पूरा आना चाहिए। फिर हमने लिख देना है ये हैप्पी दिवाली PNG, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसको आप अपने हिसाब से जहाँ रखना आप रख सकते हो उसको, ये रख दिया हमने। अब हमने एक और लेयर लेनी है ये वाली, इसको हमने चारों तरफ कोनों पे लगा देना है, इसकी ओपेसिटी भी कम कर देनी है हमने। अब इसको आपको देख लो आपने कहाँ कहाँ लगाना है इसको, यहाँ आधा सर्कल लगा देते हैं, कॉपी करके आधा यहाँ लगा देते हैं, यहाँ भी लगा दिया। मैं चाहो तो आप जैसे ही बीच वाला सर्कल आपने घुमाया, इन चारों को भी आप ऐसे की पे प्रेस करके एंड और फ्रंट में घुमा के इसको लगा सकते हो, ये चारों घूमते रहेंगे। फिर हमने लेनी है ये साइड के लटकन वाली PNG, इसको कॉपी करना है, तीन जगह लगाएंगे, चार जगह भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ करेंगे, ठीक है। इसकी एक और कॉपी करेंगे डुप्लीकेट, और उसको फ्लिप करके दूसरी तरफ करके इस तरफ लेफ्ट साइड कर देंगे इसको, ठीक है, ऑलमोस्ट रेडी है। अब आपको क्या करना है, कोई दिवाली ग्रीटिंग अगर आपको पता है कि आपको क्या लिखना है तो आप टाइप कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे काफ़ी सारे कोड्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप दिवाली विशिंग यहाँ पे टाइप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करनी है, इसको आपने उस हिसाब से छोटा कर देना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम, क्योंकि अभी हमने इस पर फ़ोटो भी लगानी है तो सारा कुछ अलग अलग दिखना चाहिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी ले लेना, इसका ब्लैक कलर रखना है। इन एनिमेशन पर जाके एक मिनट पहले सेट कर दूँ, हाँ थोड़ा सर्कल पे दिवाली आए थोड़ा सही है। इन एनिमेशन में जाके इसको हमने लेटर बाय लेटर करके इसकी रेशियो 5.5 कर देनी है। तो जब ये पूरी वीडियो ख़त्म होगी ये टेक्स्ट पूरा ऐसे खुल जाएगा स्लो। अब इसमें हमने लेनी है एक फ़ोटो, कोई सी भी ले लेना, आपको अपनी लगानी है, आप जिसको विश कर रहे हो उसकी लगा के उसको भेजनी है, या कोई भगवान की लगानी है, आपको स्टेटस बनाना है, कोई सी भी आप लगा सकते हो। उससे पहले कि हम दिवाली ये दिया लेंगे वाइट बैकग्राउंड का, इसको हमने वही ब्लेंडिंग पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो वाइट बैकग्राउंड हट जाएगी इसकी, यहाँ पे रख देना है इसको,
देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपको एक फ़ोटो लेनी है, यहाँ पे रख देनी है। थोड़ा सा इस पर भी हम क्रॉपिंग करेंगे, इसको पहले इनेबल करके इसमें से ये वाला डिज़ाइन लेना है हमें, और इसके फैदर थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है ताकि इसके फ़ोटो के अंदर मिक्स लगे। अभी देखिए टेक्स्ट और ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो पता नहीं चल रहा, इसको हम छोटा करके यहाँ ले आएंगे। वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, तीनों चीज़ें दिखनी चाहिए आपको। देखिए हो गया, ये स्टेटस था पूरा आज का। इसमें आप अपना नाम कहीं पे अगर लगाना चाहते हैं तो आप अपना नाम भी लगा सकते हैं। तो ये था आज का दिवाली स्टेटस। तो दिवाली तक एक दो और बना दूंगा, तब तक आप ये सीखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।